हेलो एवरीवन, कैसा का है? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूंगा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है, और इस ट्रिक्स या कंसेप्ट से आप इस पे बेस्ड आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे एंड बहुत कम कैलकुलेशन करके भी कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मानना है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत है इसलिए वो इस प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। तो आपका ये प्रॉब्लम आपसे ना छूटे इसलिए रफ़ी सर ने ऐसा ट्रिक लाया जिससे आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन वर्ड बोलते ही कि जेड उसका वन हो गया, राइट, एटॉमिक नंबर, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो वी नो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बोर्स एटॉमिक थ्योरी लगा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की किसी भी सेल में एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से, राइट। चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, राइट, तो जेड यहाँ पे वन हो गया तो पुट कर दो तो कितना हो जाएगा एनर्जी, माइनस में 13.6 वन का स्क्वायर वन अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, राइट। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं हर सेल की यहाँ एनर्जी लिख दिया हूँ, एन इजकल टू वन होगा तो 13.6 हो जाएंगे, एन इजकल टू टू तो फोर से डिवाइड करेंगे तो 3.4 हो जाएगा, एन इजकल टू थ्री तो आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 1.51 हो जाएगा, एंड सो ऑन। और जब एन इन्फिनाइट हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज का मतलब क्या है, तो वेरी सिंपल, ये टोटल 6 सीरीज हैं, जिसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखो, एल बी पी और फिर बी पी एच, सबका फर्स्ट लेटर ले लो आप। और कैसे याद रखेंगे, ध्यान से देखो, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई, इस टाइप से याद रख सकते हैं। एल से हो गया मैंने बना लिया लो, बी से हो गया आपका ब्लड, राइट, पी से प्रेशर तो लो ब्लड प्रेशर, फिर से बी है तो फिर से ब्लड, फिर से पी है तो फिर से प्रेशर, और एच से हाई, आप ऐसे याद रख लेंगे, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई। अब दिक्कत अगर होगी कि सर ब्लड दो जगह है तो कौन होगा, तो यू नो बी के बाद ए आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए बाल्मर पहले होगा और आर ब्रैकेट बाद में होगा, राइट। वैसे ही ए पहले आता है, एफ बाद में आता है, क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे पी साइलेंट है, तो इस टाइप से याद रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बोलते ही देखो, लाइमन जैसे ही बोला तो एन वन फिक्स हो चुका है, डैट इज वन, राइट, और N2 इससे आगे का कोई नंबर होगा इसलिए 2 टू इन्फिनिटी। वैसे ही बाल्मर सीरीज जैसे ही बोला तो एक N1 फिक्स हो गया है, ये सब जो है वो फिक्स हैं, N1 2 हो गया, और N2 इससे आगे का नंबर 3 टू इन्फिनिटी। वैसे ही पाश्चन बोला तो 3, तो ये 4 टू इन्फिनिटी, एंड सो ऑन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब ये जो लाइमन सीरीज है वो किस रीजन में लाई करती हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में। बाल्मर जो है वो विजुअल, एक ही बाल्मर सीरीज है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, बाकी सब हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि वो रेंज ही नहीं, राइट, और बाकी सारे जो हैं वो आईआर हैं, इंफ्रारेड में हैं, तो ये पॉइंट हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हम इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, डैट मीन्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन अप से डाउन में आएगा, राइट, हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में आएगा, ऑलवेज इमिशन की बात कर रहे हैं। नाउ इसको मैं डे टू डे लाइफ से जोड़ता हूँ कि इसको कैसे आप समझेंगे। देखो जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में लिफ्ट है, राइट, तो लिफ्ट में आप मान लो कि आ रहे हो, तो कभी भी अगर आपने कहीं पे भी फ्लोर पे हैं वहाँ से डायरेक्ट अगर वन पे आ रहे हो, ध्यान दें बीच में लिफ्ट का स्टॉप नहीं होना चाहिए, किसी भी फ्लोर से डायरेक्ट अगर वन पे आ रहे हो तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। सिमिलरली अगर किसी भी फ्लोर से अगर डायरेक्ट टू पे आके रुक लो तो उसको बोलेंगे बाल्मर, वैसे किसी भी अप फ्लोर से आप थ्री पे आके रुक लो तो पाश्चन। इसलिए ये जो पॉइंट हमने लिखा है वो उसी ऑर्डर में लिखा है और उसी ऑर्डर में याद करवाया, तो वेरी सिंपल है, राइट। तो ये लाइमन सीरीज कहने का क्या मतलब है कि ये दो एनर्जी का गैप कम है, राइट, विनो एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको लेमडा मैक्स मिलेगा, और यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी का सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप है, एनर्जी ज़्यादा है तो लेमडा कम होगा, तो यहाँ से लेमडा मिनिमम आपको मिलेगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज कि इनका क्या बन जाएगा, एक रेंज बन जाएगा कि लाइमन सीरीज में लेमडा की वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो सकती है, तो ये लाइमन सीरीज का यही मतलब है। तो वेरी सिंपल है और वेरी क्लियर होना चाहिए, लाइमन वर्ड बोलते ही N1 आपका फिक्स हो चुका है 1, दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी अप फ्लोर पे होगा, वहाँ से डायरेक्ट उसको 1 पे आना है, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया 2 से 1 पे आ सकता है, 3
थ्री से वन पे आ सकता है। थ्री से वन पे आने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट थ्री से वन पे आके रुकेगा, ऐसा नहीं कि थ्री से टू पे आया फिर टू से वन। तो थ्री से जो टू पे आया वो लायमन सीरीज में नहीं आएगा, फिर टू से वन वाला लायमन सीरीज हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी अप फ्लोर पे हो वहाँ से डायरेक्ट अगर वन पे आ रहा है तो लायमन, टू पे आ रहा है तो बाल्मर, थ्री पे आ रहा है तो पाशन एंड सो ऑन, राइट। तो ये है आपको लायमन या बाल्मर या पाशन सीरीज के बारे में। तो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ यहाँ पे जो मैं एक दो पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं गैप बिटवीन सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ 2 to 1 का, तो वो कितना आ रहा है 10.2। और वहीं पर अगर मैं गैप 2 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से 2 या 2 से इन्फिनिटी की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 0 - 3.4, तो कितना हो जाएगा 3.4। तो यहाँ से आपको समझना है कि जो गैप सेकेंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच है वो गैप 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक भी नहीं है। इनफैक्ट जो सेकेंड और वन का जो गैप है वो इसका ऑलमोस्ट 3 times है। तो ये समझने वाली बात है कि आपको ये गैप बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि अगर कहीं पे ऐसा बात आए कि मैक्सिमम गैप या मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब है कि N1 को अगर मैं 1 रख दूँ 1 पे और N2 इससे जितना दूर रखूँ उतना ज़्यादा एनर्जी गैप आएगा, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है, राइट। इसको फिक्स करते इससे जितना दूर जाऊँगा एनर्जी बढ़ता जाएगा। वैसे ही अगर N1 पॉसिबल नहीं है, नहीं लेना है, तो फिर N2 मुझे कंसिडर करना पड़ेगा और इससे जितना दूर जाऊंगा। तो कभी भी इस टाइप से आपको थिंक करना है, ये डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछा जाए कितना इमिट होगा, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं N2 - N1 इंटू में N2 - N1+1/2, वेयर व्हाट इज N2 N1, कि किस फ्लोर से किस फ्लोर की बात कर रहा है, डैट मीन्स किस सेल से कौन से दूसरे सेल की बात कर रहा है। लाइक जैसे 5 से 2 में कितनी होंगी, तो एक जगह 5 पुट करना और एक जगह 2, और आप पुट करके निकाल सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा ये कि हम दो सेल के बीच का एनर्जी गैप निकाल सकते हैं, डैट इज डेल्टा ई। कैसे निकाल सकते हैं, H इंटू फ्रीक्वेंसी से या फिर HC/λ से। यू नो, जब भी दो सेल के बीच का एनर्जी गैप होगा तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एक वेवलेंथ, राइट, इमिट होगी, तो वही वाला है ये वेवलेंथ। डैट इज इक्वल टू, इन सब की वैल्यू पुट कर दो तो 1240 λ नैनोमीटर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा अप्रॉक्स में। या फिर अगर मैं बोर्स मॉडल से निकालूं तो 13.6 Z² बाय द वे Z यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, 1/N1² - 1/N2² N1 जो है वो शेल, एक सेल हो गया, N2 दूसरा सेल हो गया, राइट। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इन सब की वैल्यू को पुट कर दूं SI यूनिट में तो 1/λ, राइट, जिसको वेव नंबर के नाम से भी जानते हैं, इज इक्वल टू रिजबर्ग कॉन्स्टेंट, राइट, RH इंटू Z² अगेन Z यहाँ पे 1 हो जाएगा। मैं इन जनरल लेके चला 1/N1² - 1/N2², जहाँ पे RH की वैल्यू 1.097 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स है, राइट। तो ये भी हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, दो सेल के एनर्जी के बीच का गैप हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं और इक्वेट कर सकते हैं, बस ये ध्यान में रखना है, राइट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कहीं पे भी क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोल रहा है, तो यू नो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, तो इसका मतलब वही हो गया मिनिमम एनर्जी। तो ऐसे केस में आपका N1 क्या होगा और N2 क्या होगा, उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। अगर बोल दिया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर वर्ड बोलते ही N1 2 हो गया, इसलिए हमने लिखा नेम कि कौन सा नाम दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा वो N1 और N2 उससे एक ज़्यादा। जैसे अगर मैं बोलूँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, तो N1 कितना हो जाएगा 2 और N2 कितना हो जाएगा उससे एक ज़्यादा, तो 3। ये कहने का मतलब हुआ, क्यों, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी कम दो एडजेसेंट सेल के बीच का होगा, राइट। नाउ कहीं पे अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है या फिर हाईएस्ट एनर्जी हो गया या फिर सीरीज लिमिट लिखा है, ये सब का एक ही मतलब है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ कम तो एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, या फिर वही सीरीज लिमिट हो जाएगा, तो उस केस में अगेन N1, तो कौन से नाम लिया है, लायमन, बाल्मर, पाशन, उसके अकॉर्डिंग N1 फिक्स हो गया और N2 डायरेक्ट यहाँ पे फिक्स है, डैट इज इन्फिनिटी। क्लियर है पॉइंट। उसके बाद और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, इस टाइप से वर्ड दे देगा, फर्स्ट लाइन ऑफ लायमन सीरीज, इसका क्या मतलब हुआ, या अल्फा लाइन ऑफ लायमन सीरीज,
तो कभी भी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन वर्ड बोलते ही एन वन क्या हो गया वन, ये वर्ड से आपको पहचानना है कि एन वन क्या हो गया, और एन टू फर्स्ट लाइन बोला है तो उससे एक ज़्यादा, सेकंड लाइन बोलता तो एन वन तो वन होता लाइमन का, लेकिन एन टू कितना हो जाता है थ्री, राइट। तो यहाँ से समझो फर्स्ट लाइन मतलब ये वाला, यहाँ से ये वाला फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन बोले तो ये वाला, थर्ड लाइन बोले तो ये वाले, एंड सो ऑन, राइट। तो इसलिए अगर मुझे ऐसा बोलता सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर बोलते ही एन वन आपका हो गया टू, और सेकंड लाइन बोले तो ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन है, तो ध्यान से देखो ये कौन सा है फोर, तो एन टू कितना हो जाएगा फोर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमाएगा, एन वन एन टू डायरेक्टली नहीं देगा वो आपको, किसी न किसी वर्ड में इस टाइप से फंसाएगा। तो वेरी सिंपल है, नेम से एक फिक्स हो जाएगा एन वन, और एन टू आप कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको ये आइडिया दिया हूँ। नाउ अप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर वन में इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस टू इज एक्साइटेड टू एन प्लस वन एथ ऑर्बिट यूजिंग एनर्जी गिवन है, राइट। आपसे एन पूछा गया, तो यू नो कि लिथियम प्लस टू है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखो आपको गिवन है 1.47 इंटू 10 की पावर माइनस 17 इजिकल टू कितना था 13.6 जेड स्क्वायर, लिथियम का जेड स्क्वायर कितना हो गया तो 3 का स्क्वायर 9, 1/n1² - 1/n2². अब ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये जूल में, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ध्यान से देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये 10 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 147 डिवाइडेड बाय 1.6 13.6 इंटू 9 इज इक्वल टू 1/n1² - 1/n2². अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे पूरा सॉल्व करने लगते हैं, नहीं देखो कैसे करना है, ये 1.6 को आप अप्रॉक्स कितना ले सकते हो 3/2, ये 13.6 को अप्रॉक्स 14, और ये 9 को आप 10 भी ले सकते थे या 9 लो, तो ये इससे कट करोगे तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा आपको 0.75 मतलब कितना आ गया 3/4। तो 3/4 कब हो सकता है जब एन वन वन हो, क्योंकि और एन टू 2 हो, क्यों, क्योंकि देखो n1 1 होगा तो 1 - 1/4 डेट इज 3/4, तो इसलिए यहाँ पे हमारे लिए n कितना हो जाएगा 1। तो ऑलवेज आपको अपने हिसाब से थिंक करना है, राइट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ एज बाल्मर फ्रॉम n=4 टू n=2 ऑफ हीलियम प्लस। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वेवलेंथ कब हो सकता है जब एनर्जी सेम होगी, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या था आपको माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1² - 1/n2², राइट। तो अगर मैं सेम वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ डेट मीन सेम एनर्जी, अब हीलियम प्लस की बात करूँ तो आप क्या पुट कर देंगे माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर, तो हीलियम का जेड का स्क्वायर कितना हो गया 4, 1/ यहाँ पे ये बता दिया है कि 4 से 2 में, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलवेज ए स्पेक्ट्रम डेट मीन्स अप से डाउन ऑन है, तो यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/2 का स्क्वायर तो 4, राइट। और उसका अगर हाइड्रोजन का लिखोगे तो वो कैसे लिखते हैं, माइनस में 13.6 जेड स्क्वायर तो 1 हो जाता, 1/n1² - 1/n2², दोनों सेम होना चाहिए, तो जस्ट आपको कंपेयर करना है, तो ये दोनों कॉमन है, 4 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये ध्यान से देखो 1/4 - 1, तो ये 1/4 - 1 कब हो सकता है जब ये n1 2 हो, और n2 कितना होना चाहिए 1, तभी हो सकता है, राइट। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 से 1 वाला होना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है। अगर ध्यान से देखो तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम बोला है ऑलवेज अप से डाउन में आना है, तो 2 to 1 यही अप से डाउन है, क्योंकि ये 1 से 3 है, तो ये वैसे भी नहीं था 1 से 2, 3 से 4, तो ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट स्पेक्ट्रम वर्ड से आपको वो थिंक करना था कि ऑलवेज अप से लो आता है, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो ऐसे भी थिंक करना बेटा, क्योंकि वो आपके माइंड को चेक करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन लाइमन सीरीज इज लेमडा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर लेमडा है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज में क्या होगा, तो यहाँ पे अगेन अपने माइंड का पहले यूज करना है, वेवलेंथ पूछा है तो लेमडा नीचे नहीं हो सकता, राइट, कि वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर या सेंटीमीटर, तो ये मीटर इनवर्स हो गया, तो ये नहीं हो सकता। अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमडा है तो लॉन्गेस्ट लेमडा से ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये लेमडा से छोटा हो चुका है। और ये दोनों में कौन होगा, तो वेरी सिंपल, हमारे पास फार्मूला क्या था 1/λ = RH constant जेड स्क्वायर 1/n1² - 1/n2²,
राइट, एक बार मुझे हाइड्रोजन में लगाना पड़ेगा, एक बार हीलियम में, क्योंकि हीलियम की बात क्या है, जेड यहाँ पे चेंज होंगे। तो ध्यान से देखो, लेमडा जो है वो इन्वर्सली है ये नंबर के, राइट, क्योंकि यही डिपेंड करेगा, ये तो कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेमडा ऑफ एच ई प्लस बाई लेमडा ऑफ एच लिखेंगे, राइट, और चूंकि लेमडा एच नीचे है इन्वर्सली है तो उसका ऊपर आ जाएगा, तो जेड का स्क्वायर तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी लाइमन सीरीज में कब मिल सकती है, जब एन वन वन हो, वन का स्क्वायर वन, और एन टू इन्फिनिटी हो तो जीरो, डिवाइडेड बाई इसका जेड कितना हो जाएगा, फोर, क्योंकि हीलियम है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिल सकता है, जब बाल्मर है तो एन टू टू का स्क्वायर फोर माइनस वो जो हो जाएगा उससे जस्ट एक आगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन, तो ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन ये इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वन माइनस फोर बाई नाइन, तो ये कितना हो गया, ध्यान से देखो, नाइन बाई फाइव, और ये लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाई लेमडा, तो 9 बाई फाइव लेमडा, दैट इज ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर फोर में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना है अगर इलेक्ट्रॉन एन एच कल टू फाइव से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो आपको बताया था कैसे लिखेंगे, एन टू माइनस एन वन इन टू एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ पे एन टू हो गया फाइव माइनस ग्राउंड स्टेट मतलब एन एच कल टू वन, तो फाइव माइनस वन, फाइव माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो ये कितना आ जाएगा आपको, टेन। क्वेश्चन नंबर फाइव में रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ध्यान देना है, टू स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ एच स्पेक्ट्रम फाउंड टू बी नाइन, तो स्पेक्ट्रल सीरीज कौन हो सकता है, तो ध्यान से देखो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है तो आपको पहले बता रखा हूँ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब मैक्सिमम एनर्जी होंगे, तो एक तो एन वन जो भी नेम होगा, तो दूसरा में एन टू, तो आपका हो गया इन्फिनिटी। अब नाइन कैसे आ सकता है, तो ध्यान से देखो, पाश्चन और फंड में आ सकता है क्या, तो लाइमन बाल्मर पाश्चन, तो पाश्चन की बात करेंगे तो एन वन हो जाएगा थ्री, और फंड की बात करेंगे तो उसका एन वन हो जाएगा फाइव, तो नहीं आ सकता, वन बाई नाइन और ये वन बाई ट्वेंटी फाइव, चूँकि हमें नाइन चाहिए तो इसका मतलब एक वन होना चाहिए, एक वन बाई नाइन, तो वो किस में हो सकता है, लाइमन में, क्यों, क्योंकि लाइमन में एन वन वन हो गया आपका और एन टू इन्फिनिटी, पाश्चन में एन वन आपका थ्री हो गया और एन टू इन्फिनिटी, आगे का जो भी कांस्टेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा, वन बाय इधर में वन बाई नाइन, राइट, तो कितना आ जाएगा, नाइन, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी। इस टाइप से आपको करना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एनर्जी, तो आपके पास फार्मूला क्या है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू एफ, ध्यान दें सब जूल्स में है, एच आपको मालूम है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और एफ आपको गिवन था 2.47 इंटू 10 की पावर 15, आप कैलकुलेशन में टाइम नहीं लेना है, ये माइनस में 34 और 15 जाएगा तो माइनस में 19 आएगा, बट ये 6 to the 12, 10 से ज़्यादा हो गया तो एक पावर और कम हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 18 वाले होंगे, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऐसे आपको करना है बेटा। वैसे ही सेवन में वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम एन इज इक्वल टू 1 to 2, ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन किस में, मीटर में, मतलब ऐसा यूनिट में वेवलेंथ पूछा है और 1 से 2 में है, तो एनर्जी को आपको बताया था कैसे लिखेंगे, 1240 बाय लेमडा नैनोमीटर में पहले निकाल लेते हैं, फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 13.6, हाइड्रोजन एटम है तो जेड वन, वन अपॉन वन से ये है तो वन माइनस वन बाई फोर, तो आप ध्यान से देखो, तो लेमडा कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, लेमडा हो जाएगा 1240, ये 13.6 और ये 3 और ऊपर में 4, अब कैसे करना है ध्यान से देखो, तो ये 4 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 12.4 इंटू 10 की पावर 2 बाई यहाँ पे 9, तो ये 9 से कैंसिल करेंगे तो 1 point something, क्यों मैंने ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि सम में आगे का वैल्यू तो सेम ही है, सिर्फ 10 की पावर से डील करना है, और ये चूंकि नैनोमीटर में आएगा तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर, तो ये 10 की पावर 2 से कम हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 7 आना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में लेमडा ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज इज 720 नैनोमीटर, तो लेमडा ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ दिस सीरीज, तो राइट, तो ध्यान से देखो, पाश्चन बोला है तो एन वन कितना हो गया 3, और फर्स्ट लाइन तो एन टू कितना हो गया आपका 4, राइट, फिर उसी सीरीज की बात कर रहे हैं बट सेकंड लाइन है, तो एन वन उसके लिए रहेगा 3 और एन टू कितना हो जाएगा 5, हमारे पास फार्मूला क्या था, 1 by lambda इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जेड स्क्वायर, वैसे बाय द वे यहाँ पे 1 हो जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square,
तो देखो इन्वर्सली रिलेटेड है, तो अगर मुझे सेकंड लाइन का निकालना है तो x बाई 720 इज इक्वल टू, ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 16 डिवाइडेड बाय, इधर कितना हो जाएगा 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 25। तो अब ध्यान से देखो कैसे कर सकते हैं इसको क्विकली, तो ये x बाई 720 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ 916 एलसीएम में आ जाएगा, तो ऊपर में 7 और यहाँ पे 9 और 25 आ जाएगा, तो ऊपर में 16, राइट। तो आप ध्यान से देखो नीचे से नीचे 9 से 9 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये ऊपर में आ जाएगा 7 इंटू 25, नीचे में आ जाएगा 16 इंटू 16 और ये 720 मल्टीप्लाई होगा, तो आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन आ जाएगा आपको ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में वेव नंबर ऑफ फर्स्ट इमिशन लाइन, अगेन फर्स्ट इमिशन लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ध्यान से देखो फर्स्ट इमिशन लाइन बाल्मर बोला तो N1 कितना हो गया 2, फर्स्ट इमिशन तो N2 हो गया 3, और हमसे R के टर्म में पूछा गया है, राइट। तो अभी बताया वेव नंबर मतलब 1 बाय लैम्डा वी बार इज इक्वल टू R, हाइड्रोजन एटम है तो Z1 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 हो जाएंगे, राइट। तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा R इंटू 9 4, तो 36, तो ये तो कितना जाएगा 5R/36, ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आयनेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम का गिवन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N=1 to 2, तो आयनेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा कि 1 से इन्फिनिटी पे ले गए, डेट मीन्स आगे का टर्म ही दे दिया, राइट, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या था 13.6 Z² 1/N1² - 1/N2² आयनेशन एनर्जी मतलब N1 1 हो गया, N2 इन्फिनिटी, तो ये 1 ही हो जाएंगे, डेट मीन्स आगे का नंबर, तो हमें 1 2 से 2 का ले जाना है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, ये आगे का नंबर वो दे दिया आपको एक तरीके से, राइट, कन्वर्ट करके, तो 1.3 × 10^6 और ये कितना हो जाएगा 1/1 - 1/4, तो 3/4 टाइम, तो इसको आप क्या कर लो 13/10, तो एक 10 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 × 3/4 × 10^5, आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, 13 का 3/4 आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 3 12, 3 3 9, 9 से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा आपका एक ही ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा, इस पे बेस और भी बहुत सारे PYQ हैं जिसको आप कर सकते हो इस तरीके से, थैंक यू।